फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड वी आर हेयर टू टेल यू एन एक्साइटिंग जॉब इन PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक में हम ऐसी आपको लिए जॉब लेके आए हैं जो कि क्लास 10th लेवल की है। इससे पहले गार्ड की भर्ती यहाँ पर निकली थी, सॉरी पीयून की भर्ती निकली हुई थी, उसके बारे में भी हमने बताया था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ संवर्ग में आंशिक काल सफाई कर्मचारी यानी कि PTS पद पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे हल्द्वानी मंडल में कहाँ कहाँ पर निकल रही, अल्मोड़ा में 5, नैनीताल में 6, पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 9, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकली हुई है उधम सिंह नगर में ही निकली हुई है। अब इसमें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन के अलावा और क्या क्या लगेंगे और फॉर्म कहाँ पर भी मिलेगा वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा आप इसमें जिसमें एज होगी 1/1/2021 को, आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 24 होनी चाहिए। शुक्र है इस बार ऐसा ना हो कि ये फिर एक अनदर नोटिफिकेशन निकाले यहाँ पर बोल दें कि ये जो है पिछले से बैक ईयर से लेंगे, तो यहाँ लेट सी क्या होता है। फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि जो उम्र होनी चाहिए 1/1/2021 को 18, न्यूनतम और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। उसके अलावा ST/ST को छूट दी जाएगी, उसके अलावा OBC को भी छूट दी जाएगी। उसके अलावा इसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है और यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति भी नियुक्त के पात्र है। यहाँ पर मैं तो स्टार्ट में बोल रहा था कि जो है 10th है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर उन्होंने इसके अलावा साफ साफ भी लिखा है अगर 10th पास होगा तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10th पास होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी रादर देन कि इन इलिटरेट पर्सन को। यहाँ पर हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है कि सभी यहाँ पर यहाँ साफ लिखा होगा शैक्षिक योग्यता सभी श्रेणी, तो अधिकतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ना हो, कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है और यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मोस्टली मैं तो ये कहूँगा 10th वाले ही एटलीस्ट इसमें अप्लाई करें क्योंकि उनको ही वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने डिटेल में अलग वाइज पोस्टें निकाल दी, जैसे आरक्षण यहाँ 4 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग, अलग अलग इन्होंने अलग से डिवाइडेड कर दी है पोस्ट वगैरह। तो यहाँ पर उन्होंने आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में 1 OBC, 1 SC, 3 जनरल, नैनीताल में 2 जनरल, 1 SC, 2 EWS, 1 OBC, पिथौरागढ़ में 1 ही पोस्ट है वो ST के लिए है। उसके बाद उधम सिंह नगर में जहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है तो वहाँ पर 1 OBC, 2 SC, 6 जनरल है। अब यह है कि इसको आप देखें यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जिले का आदिवासी होना चाहिए जिसके लिए रिक्तियाँ अधिसूचित प्रकार, यानी कि आप उसी जिले से अप्लाई कर सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी निकली हुई है। बाकी ये फॉर्म की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है, पिता का नाम, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 20/3/2021 तक आपको ये फॉर्म भर के ऑफलाइन भर देना है। उसके अलावा आवेदन पत्र के सबसे ऊपर लिफाफे पे जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका आपको वहाँ पे जो है नाम मेंशन करना है अच्छे से, ओके नाम मेंशन करना है। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपको सारी डिटेल अच्छी से भरनी है क्योंकि आधे अधूरे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अब रहेगा डाक से इसको भेजना आपको कहाँ पे, मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय काला डोंगी रोड, ऊंचा पुल, हल्द्वानी 26319 पे आपको इसको भेजना है। पंजीकृत डाक से रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना है। बाकी जो फॉर्म रही फॉर्म की तो फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं हर जगह, मैं मिलूंगा इंस्टा ट्विटर पर, वहाँ पर भी हम अच्छी पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।